मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर में 13 सितंबर की देर शाम को बाइक सवार पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा करते हुए सोमवार को पुलिस ने हमले में घायल युवक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों से पुलिस ने हमले में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया है। अवैध संबंधों के चलते घटना को अंजाम देना बताया जा रहा है। दरअसल मामला बीती 13 सितंबर को जनपद मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर का है, जहां देर शाम को अय्यूब नाम का एक युवक अपने एक साथी के साथ अपने घर लौट रहा था। उसी समय बाइक सवार तीन हमलावरों ने अय्यूब को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अय्यूब को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां से अय्यूब की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मेरठ रेफर कर दिया था, जहां अय्यूब का उपचार चल रहा है। हमले की पूरी घटना पास के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। घायल अय्यूब के भाई के द्वारा उस समय सुहेल और अय्यूब की पत्नी रेशमा पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस समय भी मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। सोमवार को इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने अय्यूब की पत्नी रेशमा और उसके प्रेमी सुहेल को गिरफ्तार कर हमले में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया है, जबकि इस मामले में एक अन्य आरोपी परवेज अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने बताया कि 13 तारीख को 13 सितंबर में किदवई नगर क्षेत्र में जो थाना कोतवाली के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची तो जो मजरूफ था अय्यूब, उसके भाई ने दो लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया था। एक सुहेल नाम का व्यक्ति था और एक हीना। जब इस पूरी घटना की तफ्तीश पुलिस द्वारा की गई तो इसमें यह पाया गया कि जो मजरूब है इस पूरे मामले में अय्यूब, उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे सुहेल नाम के व्यक्ति से, तथा उसकी बहन के संबंध थे परवेज नाम के व्यक्ति से। इसने अय्यूब ने कई बार समझाने की कोशिश की, अपनी पत्नी को भी समझाने का प्रयास किया कि सामाजिक स्तर पर ये कार्य ठीक नहीं है, तथा अय्यूब को भी समझाने का उसको सुहेल को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तो फिर इन लोगों ने अय्यूब को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत इनकी पत्नी भी इसमें सम्मिलित थी, इस पूरी षड्यंत्र में सुहेल और एक और व्यक्ति प्रकाश में आया है परवेज, जिसके कि जो अय्यूब की पत्नी थी उसकी बहन से संबंध थे। ये दो लोगों ने गोली मारी थी, जिसमें आज सुहेल को और अय्यूब की पत्नी को जेल भेजा जा रहा है और परवेज की तलाश पुलिस कर रही है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सुहेल से कोई बरामदगी हुई है सर? हाँ, तमंचे की बरामदगी हुई है। आला जिस तमंचे का उपयोग इस घटना में हुआ था, जिससे गोली मारी गई, उसका बरामदगी की गई है।